हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो भाई टाइम आ गया है अपनी झन्नो को बेचने का। भाई 2 साल पहले मैंने इसको खरीदा था, 2 साल हुए भी नहीं है पूरे, और भाई मैंने इसको 60,000 किलोमीटर चलाया है। बड़े ही मतलब ना अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस गाड़ी के साथ। लो बजट के चलते भाई मैंने पुरानी गाड़ी ली थी, और मैं आपको बता भी दूं, ये मैंने 1,87,000 यानी कि 87,000 रुपीज़ की खरीदी थी उस टाइम। फिर मैंने इसमें ऑटोमोटो की सीएनजी किट रखवाई, और जैसे मैंने इसको ख़रीदा था 1.5 साल पहले ही मैंने इसके अंदर सीएनजी किट लगवाई है, और सीएनजी किट रखवा के मैंने इसको 60,000 किलोमीटर चला दिया है। तो भाई अब मैं इसको बेचने वाला हूँ, और बेचने के लिए मैंने इसकी फ़ोटो खींची OLX पे डालने के लिए, बट गाड़ी थी गंदी, तो मैंने सोचा भाई इसको धुलवा भी लाते हैं, और धुलवाने के बाद इसकी फ़ोटो और अच्छी आएगी, फिर इसको OLX पे डालते हैं। लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स रहता है। चलो भाई गाड़ी को धुलवा के लाते हैं। चलें नीचे बेटा, ध्यान से उतरना, आराम से ला, मेरे को हाथ दे दे, उतर जाएगा। यस, लो आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि गाड़ी नीचे से कैसी दिखती है, मतलब जो बेस होता है गाड़ी का वो कैसा दिखता है। भाई गाड़ी अपनी धुल चुकी है, और देखो व्हाइट कलर का ये फायदा होता है कि एकदम से ना चमचमा जाती है गाड़ी। ज़्यादा पुरानी गाड़ी आप लेते हो तो थोड़ा सा काम तो मांगती है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। बाकी एक्सपीरियंस इसका A1 है। अच्छा, एक और कमी भाई जो इसकी मेजर कमी मैं मान सकता हूँ, इसमें गाड़ी में ना जंग वाली प्रॉब्लम है। देखो जैसे यहाँ पे थोड़ी सा ये जंग वाली प्रॉब्लम है, इसके अलावा ये जो स्टिकर्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मैं यहीं भुन्ना के बस स्टैंड पे था, और तब सर्दियों का टाइम था, तब मतलब ना फोग बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके ही लगाया था कि आप लगवा लो, पीछे से कोई आता है तो उसको आपकी गाड़ी विजिबल हो जाएगी। और बाकी जहाँ पे जंग वाली समस्याएं हैं, मैं आपको, अच्छा एक यहाँ पे टच हो गई थी, तो एक छोटा सा ये माइनर सा कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, और एक इस डोर के ऊपर ये वाले जंग के निशान है कुछ, बस दैट्स ऑल। और इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा एक बार इनकी क्लीनिंग हो जाए। अब आप लोगों को मैंने इसकी कंडीशन बताई है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि इस गाड़ी की कितनी कीमत हो सकती है। ये 2010 मॉडल है और मैं इसका सेकंड ओनर हूँ। ये गाड़ी टोटल चली हुई है 1,30,000 किलोमीटर्स के अप्रोक्स, और इस गाड़ी का ये बम्पर भी कहीं पे टच हो गया था तो टूट गया था, तो मैंने ये बम्पर रिप्लेस करवा दिया है। दिस इज़ ऑल न्यू ओरिजिनल बम्पर। यहाँ पे लिख भी रखा है मारुति रिड्ज। अब ये क्योंकि धो दी है तो इसका जो पेपर है ये उतर गया, इसको मैं उतार ही देता हूँ, वैसे भी इसका कोई काम तो है नहीं यहाँ पे। मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, ये पता है तेरे को? हाँ। तो तू खरीदेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा, तेरे को गाड़ी नहीं चाहिए? नहीं। ओके, वाह भाई मान गए, बहुत बढ़िया।
एकदम क्लीन हो गया बिल्कुल। गाड़ी की वॉशिंग हो गई है और क्या चमका दिया भाई इन्होंने, बिल्कुल ऐसा काम हो गया कि मेरा गाड़ी बेचने का ही मन नहीं कर रहा अब तो, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको रख ही लूं तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल डैशबोर्ड वगैरह पे पॉलिश वॉलिश मार के बिल्कुल चमका दिया है और वाह यार मजा आ गया। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं ताकि सनसेट होने से पहले ही मैं इसकी 6-7 अच्छी अच्छी फोटो खींच लूं और OLX पे हम इसको डाल दूं। लो जी लोकेशन हमें दिख गई है थोड़ा सा रिवर्स चल के, और ये लोकेशन थी भाई जहाँ पे मैं फोटो इसका शूट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छी फोटो आ जाएगी क्या? हाँ। देखो वेलकम भी लिख रखा है इन्होंने, वेलकम हमारा हो गया है यहाँ पे। और मैं फटाफट से 4-5 फोटो इसकी खींचता हूँ। बेटा गियर मत छेड़ना है ना, बंद ही कर देता हूँ। आजा बाहर आना तो आजा। तो भाई ऐसी कुछ लुक आती है फिलहाल गाड़ी धोने के बाद। आई डोंट नो कि आप लोग इतना कैमरा के अंदर जज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बट सफ़ेद रंग की गाड़ी हो और धुलने के बाद तो भाई अलग ही लेवल की शाइनिंग आती है। इसकी फ़ोटो खींच लूँ? हाँ। ओके तो चारों टायर्स की फ़ोटो भी मैं खींच लेता हूँ ताकि देखने वाले को आइडिया लग जाए कि टायर्स की कंडीशन कैसी है। अंदर से इतनी क्लीन हो गई है ना ये मैट भाई, अब इसके अंदर पैर रखने का भी मन मेरा नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बेटा देखना उंगली ना जाए आपकी। जो भी भाई गाड़ी लेगा अपनी, ये फोग का परफ्यूम भी मैं उसी को गिफ्ट कर दूंगा। जस्ट किडिंग गाइस। आई थिंक मैंने लगभग सारी फ़ोटो खींच ली है, कोई फ़ोटो रही नहीं होगी। एक छत से भी, छत की फ़ोटो भी खींच लेता हूँ ताकि अगर किसी को डाउट रहेगी छत कैसी है तो एक बार मेरे को इसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लो भाई फ़ोटो शूट अपना कंप्लीट हो गया है OLX.com के लिए। बेटे बाय बाय बोल दे गाड़ी को, बोल दे गाड़ी जाने वाली है ना। इस गाड़ी की कितनी कीमत होनी चाहिए ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ, बस मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट रेट क्या कुछ इसका हो सकता है। और हाँ ये फतेहाबाद हरियाणा में रजिस्टर्ड है, फिलहाल इसका रजिस्ट्रेशन 2025 तक का है, बट 5 साल और इसकी एक्सटेंड हो जाएगी और उसके बाद भी 3 साल एक्सटेंड हो जाएगी वो अलग बात है। लेकिन ये बता दूँ कि मैं ये 2010 मॉडल है और गाड़ी की कंडीशन आप चारों तरफ से देख चुके हैं, चारों तरफ से 4 बार मैं आपको घुमा चुका हूँ और यही ओरिजिनल कंडीशन है। एक भाई ने मेरे को ये भी बोला कि यार इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम करा दे, इसका जंग निकलवा दे और ये बम्पर पेंट करवा दे और गाड़ी तेरी बहुत अच्छी बिक जाएगी। मेरे को नहीं बेचनी भाई, अब जो गाड़ी की ओरिजिनल कंडीशन है वो गाड़ी की कंडीशन आप देख लो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि कितने होगी। इसी के साथ भाई वीडियो खत्म करता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, अपनों और अपना को ख्याल रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब आई डोंट नो ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है, बट हाँ गाड़ी में बेच रहा हूँ। बाय गाइस।